मंजिलों की फितरत है कि वो खुद चल के आया नहीं करती, ढूंढोगे तो रास्ते मिल ही जाएंगे। और ऐसा ही कुछ रास्ता हम आपके लिए ढूंढ रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस तरह से आसान बनाया जाए, इजी बनाया जाए। अब तक हम दो वीडियो लेक्चर्स के अंदर आपको सिखा चुके हैं कि किस तरह से ऑर्गेनिक की शुरुआत करें, IUPAC नॉमेनक्लेचर करें, क्या है हमारे पास प्लेनर कार्बन, प्लेनर मॉलिक्यूल, कॉन्जुगेशन किसे कहा जाता है, और उसके अलावा एरोमेटिसिटी के बारे में आपको बताया जा चुका है। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम अटैकिंग एजेंट के बारे में और उनकी टाइप्स के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए, किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर हमारे पास एक रिएक्टेंट होता है, एक रिएजेंट होता है, एक सॉल्वेंट होता है, और बाकी चीजें जो प्रोडक्ट बनती हैं। इस तरह से ऑर्गेनिक रिएक्शन के चार पार्ट होते हैं। रिएक्टेंट, जिस पे रिएक्शन कराई जाती है, रिएजेंट जो रिएक्शन करवाता है, सॉल्वेंट एक मीडियम प्रोवाइड करता है रिएक्शन होने के लिए, और प्रोडक्ट जो रिएक्शन होने के बाद बनता है उसे प्रोडक्ट कहा जाता है। हमें आज रिएजेंट के टाइप्स के बारे में अंडरस्टैंड करना होगा कि ये रिएजेंट आखिर कितने तरह के हैं, क्या है। जैसा कि अगर हम इस रिएक्शन की तरफ ध्यान दें, यहां पर हमारे पास RX रिएक्टेंट है। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो इसके अंदर कुछ चेंज लाएगा, या तो जाके अटैच हो जाएगा या किसी चीज को बाहर निकालेगा, तो इसे हम अटैकिंग एजेंट के नाम से पहचानेंगे। ये इस मॉलिक्यूल में जाएगा, एक्स को यहां से बाहर निकालेगा, और इस तरह से प्रोडक्ट हमें यहां पर मिल पाएगा। तो हमें यही जानना है कि ये अटैकिंग एजेंट कितने तरह के होते हैं और कैसे इनको क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहले हम आपको बताएं, अटैकिंग एजेंट तीन तरह से क्लासिफाई किए जाते हैं। पहले होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रोफाइल के नाम से पहचाना जाता है, दूसरे होते हैं जिन्हें न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है, न्यूक्लियोफाइल, और थर्ड होते हैं जिन्हें एंडोफाइल के नाम से पहचाना जाता है। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, एंडोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, जैसा कि शब्द ही बताता है, फाइल मींस अट्रैक्शन और एफिनिटी। ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज के लिए एफिनिटी रखती है, यानी ऐसी स्पीसीज विच अटैक्स ऑन नेगेटिव चार्ज सेंटर, इसे इलेक्ट्रोफाइल कहा जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल को जनरली हम ई पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं कि इनकी टेंडेंसी है ये नेगेटिव सेंटर पे अटैक करे। अब नेगेटिव सेंटर पे वही अटैक करेगा जिस पे खुद पॉजिटिव चार्ज है या जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। जैसा कि हम यहां देख सकते हैं, बोरॉन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल दो तरह के हो गए, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज और जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। ऐसे ही हमारे पास है CH2। अगर हम इस तरह से कार्बीन के बारे में बात करें तो हम देख सकते हैं कार्बन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसे भी इलेक्ट्रोफाइल कहा जाएगा। फिर बारी है न्यूक्लियोफाइल की। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, जिसका मतलब पॉजिटिव चार्ज, फाइल माने अट्रैक्शन और एफिनिटी। ऐसी स्पीसीज जो पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे अटैक करती है उसे न्यूक्लियोफाइल कहेंगे, और इसे हम शॉर्ट में न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। कितने टाइप की हो सकती है ये? अब नेगेटिव चार्ज स्पीसीज जो पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करती है,
तो जितनी भी नेगेटिवली चार स्पीसीज हैं, सीएल नेगेटिव, ओएच नेगेटिव एटसेट्रा, ये सभी की सभी इलेक्ट्रोफाइल कहलाई जाएंगी। और जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का मतलब ऑक्टेट भी पूरा है और लोन पेयर है, जैसे अमोनिया यहां ऑक्टेट भी पूरा है और लोन पेयर भी प्रेजेंट है, इसे भी हम न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। तो ऐसी कोई भी स्पीसीज जो पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे अटैक करती है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, और जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है उसे लुविस बेस भी कहा जाता है। तो न्यूक्लियोफाइल लुविस बेस होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल नेगेटिव चार्ज पे अटैक करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसे हम लुविस एसिड के नाम से भी जानते हैं, इसे लुविस एसिड भी कहा जाता है। और थर्ड है हमारे पास एम्बीफाइल। एम्बीफाइल का मीनिंग हुआ एक ऐसी स्पीसीज जो दोनों की तरह बिहेव करती है, जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव करती है और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करती है, उसे एम्बीफाइल कहा जाता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकती है और इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन भी कर सकती है, उसे एम्बीफाइल के नाम से पहचानेंगे। तो मैं आपको यहां पर कुछ क्वेश्चंस देता हूं, आप ट्राई करना और ये पहचान करना कि कौन इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, एम्बीफाइल है। जैसे मेरे पास है वाटर, आइडेंटिफाई करना, हमारे पास है BF3, हमारे पास है CCl2, यहां पर है PH3 और ये है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 और एक है कार्बन डाइऑक्साइड। इन स्पीसीज में से अटैकिंग एजेंट पहचानने की कोशिश करना। और अब H3O पॉजिटिव एक अच्छा इंपॉर्टेंट केस, इसे भी ध्यान रखना। अब आगे के लेक्चर में आपको यह समझाया जाएगा डिटेल में कि इलेक्ट्रोफाइल को कैसे पहचान सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल को कैसे पहचान सकते हैं। पहले उन सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझना, नोट करना, ध्यान से दोबारा से पढ़ना और फिर इन क्वेश्चंस को अपने आप अच्छे ढंग से सॉल्व करने की कोशिश करना। तो तैयार हैं आप? नाउ समझते हैं आप अटैकिंग एजेंट के बारे में। इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल अंडरस्टैंड अबाउट अटैकिंग एजेंट्स एंड देयर टाइप्स। Attacking agents are the species which interacts with reactant in a chemical reactions. Every chemical reaction possess four parts. One is reactant, second is reagent, third is solvent, and the fourth part is product. So attacking agents are the substance which attacks on reactant or which reacts with reactant during a chemical reaction. Attacking agents are of following types: nucleophile, electrophile and ambiphile or amphiphile. Now let's understand nucleophile. Nucleophile is represented by symbol NU negative. It can be defined in following ways. Definition number one, it is the species which attacks on positive charge center. Definition number two, these are electron rich species or consist of lone pair or possess negative charge. Definition number third, these are the species which can donate lone pair or electron pair to other species in a chemical reactions. Nucleophiles can be classified in two types. Number one,
ऑल द नेगेटिवली चार्ज्ड आयन्स लाइक क्लोराइड आयन, आयोडाइड आयन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल. एंड नंबर टू, ऑल द न्यूट्रल स्पीसीज हैविंग लोन पेयर एंड कंप्लीट ऑक्टेट ऑल्सो एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल. फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल, वॉटर, अमोनिया एटसेट्रा. ऑल द न्यूक्लियोफाइल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज लुविस बेस. नाउ इट इज इलेक्ट्रोफाइल. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल ई पॉजिटिव एंड कैन बी डिफाइंड इन फॉलोइंग वेज. डेफिनेशन नंबर वन, इट इज द स्पीसीज विच अटैक्स ऑन नेगेटिव चार्ज सेंटर. डेफिनेशन नंबर टू, इट इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज और पजेस पॉजिटिव चार्ज. डेफिनेशन नंबर थ्री, दीज आर द स्पीसीज विच कैन गेन इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शंस. इलेक्ट्रोफाइल्स कैन बी क्लासिफाइड इन फोर टाइप्स. नंबर वन, ऑल द स्पीसीज विच पजेस पॉजिटिव चार्ज आर ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफाइल्स. फॉर एग्जाम्पल एच पॉजिटिव आयन, सी एल पॉजिटिव आयन एटसेट्रा. नंबर टू, ऑल द न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट स्पीसीज लाइक बी सी एल थ्री, ए एल सी एल थ्री एटसेट्रा. बोथ द स्पीसीज पजेस सिक्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हैंस इट इज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट स्पीसीज एंड बोथ द स्पीसीज एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल. नंबर थ्री, स्पीसीज हैविंग वैकेंट डी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल. एंड द लास्ट एंड फोर्थ टाइप इज स्पीसीज हैविंग मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट एटम्स. एग्जाम्पल CO2, SO2, etc. In CO2, there is a multiple bond between carbon and oxygen. In SO2, there is a multiple bond between sulfur and oxygen. Electrophiles are also called as Lewis acid. Now the last type is amphiphile or amphiphile. These are the species which can act as both electrophile as well as nucleophile. Or in other words, we can say that these species can lose electron pair or can gain electron pair. Example, PH3 or phosphine, it can lose lone pair of electron and it can gain electron pair due to availability of vacant d orbitals. So students, we can say electrophile are the species which possess positive charge or electron deficient. Nucleophiles are the species which possess negative charge or lone pair of electrons. Classify following species as nucleophile, electrophile, amphiphile. You can take help from the box given on right hand side.